हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड एम बैक विद अनदर वीडियो तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टैक्सेशन चैप्टर नंबर सेकेंड एंड विच इज़ कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आज हम शुरू करेंगे इसके पहले हमने सैलरी के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं एंड काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं सारे वराइटीज़ के आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट उसमें से क्लियर होंगे तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम सेकेंड हेड ऑफ़ इनकम विच इज कॉल्ड एस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट कि टोटल फाइव हेड्स ऑफ इनकम है सैलरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन एंड लास्ट वन इज अदर सोर्सेज तो आज हम शुरू करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के बारे में तो देखो अगर देखे तो देर आर फाइव सोर्सेस ऑफ इनकम फ्रॉम वेयर एन अस एस कैन अर्न द इनकम तो पांच सोर्सेस है टोटल कितने सोर्सेस है पांच सोर्सेस है उसमें से हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड है जहां पे इनकम जो है वो नोशनल बेसिस पे भी टैक्सेबल होता है बाकी सारे सोर्सेस में या बाकी सारे हेड्स में एक्चुअल बेसिस पे टैक्सेबल होता है लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में नोशनल बेसिस नोशनल बेसिस का मतलब इनकम मिला नहीं तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा सो so, अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ देखो अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है वन इज कॉल्ड एज लेट आउट प्रॉपर्टी एंड अनदर इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सो लेट आउट प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं एल ओ पी एल ओ पी इज वॉट लेट आउट प्रॉपर्टी अगर हम किसी को हमारी प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे जैसी मेरी एक प्रॉपर्टी है मैं उसमें खुद नहीं रहता वो प्रॉपर्टी मैंने किसी और को रेंट पे दी तो रेंट मेरे लिए क्या होगा रेंट मेरे लिए इनकम होगा रेंट विल बी कंसिडर एज इनकम फॉर मी एंड दैट इनकम विल बी कंसिडर एज दी लेट आउट प्रॉपर्टी इनकम एंड विच विल बी कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी तो इफ यू से वॉट इज सेल्फ ऑक्युपाइड सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब जो ओनर है घर का वो उस घर में खुद रहता है मैंने एक घर परचेस किया रेंट पे नहीं लिया मैंने खुद परचेस किया और मैं खुद उसी घर में रहता हूँ तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी तो अभी पॉइंट्स देखते हैं देखो इफ एनी प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन रेंटल बेसिस देन इनकम अर्नड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी

कि अभी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके बारे में दो प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया है नंबर वन हमारा होता है लेट आउट प्रॉपर्टी जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं एलओपी इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट ऑन रेंटल बेसिस देन इनकम अर्न फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी तो इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे एलओपी और अगर प्रॉपर्टी हम खुद के रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करते हैं If the property is used for own residential purpose, then it is called as self occupied property. तो so, मेरी property है तो मैं खुद अगर उसके में रहूंगा तो उसे हम क्या बोलेंगे Self occupied property. ध्यान रखना दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है वन इज कॉल्ड लेट आउट प्रॉपर्टी जिसको हम शॉर्ट में एल के बेसिस पे जानते हैं और दूसरा होता है सेल्फ occupied प्रॉपर्टी जिसको हम एसओपी के बेसिस पे जानते हैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, ध्यान से ये बार बार आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग में आएंगे नंबर वन ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है जी ए वी जी ए वी कैसे कैलकुलेट होता है काफी सारा पैराग्राफ इधर दिया है लेकिन मैं आपको जी ए वी कैलकुलेशन के लिए सिंपल स्टेप बताता हूँ देखो जी ए वी कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन वैल्यूज लगते हैं एक होता है म्यूनिसिपल वैल्यू एक होता है फेयर रेंट और एक होता है एक्चुअल रेंट म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट एक्चुअल रेंट इन तीनों वैल्यूज़ में से जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी जिसको हम हायर वैल्यू बोलेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी वो बड़ी वैल्यू को या हायर वैल्यू को हम क्या कंसिडर करेंगे हम कंसिडर करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड एज जी ए वी सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज जी ए वी हाउ डू वी कैलकुलेट जी ए वी जी ए वी विल बी कैलकुलेटेड बाई थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी विल टेक द म्यूनिसिपल वैल्यू विच विल बी अवेलेबल इन योर क्वेश्चन वी विल चेक द फेयर रेंट फेयर रेंट मतलब उसी एरिया के रिलेटेड जो सेम एडजस्टेंट हाउस है हमारे बाजू में उसका रेंट कितना है उसी के बेसिस पे हमारा रेंट देखा जाएगा दैट इज़ कॉल्ड फेयर रेंट और एक्चुअली हमें कितना रेंट मिला है इन तीनों वैल्यूज़ को आपको कंपेयर करना है एंड फ्रॉम दिस थ्री वैल्यूज वी नीड टू फाइंड आउट विच इज़ द हाइर वैल्यू जो हाइस्ट वैल्यू रहेगा सबसे बड़ा वाला वैल्यू रहेगा उसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बेसिस पे जानेंगे तो सेकेंड पॉइंट है वो डिडक्शंस अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर देखो एल ओ पी जो है एल ओ पी के लिए कोई भी लिमिट नहीं होता जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे लोन के ऊपर उसको डिडक्शन मिलेगा लेकिन डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर एल ओ पी और एस ओ पी के लिए अलग अलग है सबसे पहले आपको याद रखना है डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन का परसेंटेज कितना है थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट ऑफ वॉट एन ए वी एन ए वी कैसे कैलकुलेट होता है मैंने फॉर्मेट आगे डाला है तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा एन ए वी का फुल फॉर्म है नेट एनुअल वैल्यू देखो नोट भी लिखा है देर इज़ नो लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ बोरोड फंड्स फॉर एल ओ पी बट फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इफ लोन इज टेकन ये ध्यान से एल ओ पी के लिए कोई भी लिमिट नहीं है लेकिन जो हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसके लिए लिमिट है अगर लोन फर्स्ट अप्रैल 1999 के पहले लिया रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट थर्टी थाउजेंड की मिलेगी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बोरोड फंड्स एंड अगर आपने लोन फर्स्ट अप्रैल 1999 के बाद लिया रहेगा तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको टू लाख रुपीज का मिलेगा वो आपको याद रखना है तो आई रिपीट अगेन ज नो लिमिट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन बोर फंड एल ओपी देखो डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर में दो डिडक्शन मिलते हैं एल ओपी के लिए पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन थर्टी परसेंट ऑफ एन एवी और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरड फंड्स लेकिन अगर हम एसओपी की बात करें तो एसओपी को सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलता है वो है इंटरेस्ट ऑन बोरो फंड्स का लेकिन उसमें लिमिट है अगर हमने फर्स्ट अप्रैल 1999 के पहले लोन लिया रहेगा तो मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 का मिलेगा और अगर 1999 के बाद अगर लोन लिया रहेगा तो मैक्सिमम डिडक्शन टू लाख रुपीज़ का मिलेगा अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट म्यूनसिपल वैल्यू देखो मुंसिपल वैल्यू का मतलब उसी एरिया में जो मुंसिपल अथॉरिटीज़ होती है उन मुंसिपल अथॉरिटीज़ ने हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी रखी है नेक्स्ट इज़ फेयर रेंट तो फेयर रेंट मैंने आपको बताया हमारे साइड में हमारे जैसा ये घर है उसका रेंट अगर चालीस हज़ार है तो हमारे घर का भी रेंट चालीस हज़ार होना चाहिए विच इज़ कॉल्ड फेयर रेंट कभी कभी स्टैंडर्ड रेंट आता है लेकिन स्टैंडर्ड रेंट अगर आएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोलेबल एक्ट के बेसिस पे होता है एक्चुअल रेंट रिसिवट जो है एक्चुअल रेंट रिसिव मतलब कितना रेंट हमें जो लैंडलॉर्ड है हमारा तो लैंडलॉर्ड को हमने कितना रेंट पेमेंट किया अगर हम टेनेंट रहेंगे तो टेनेंट लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेगा फिर कभी कभी आपके क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट आता है अनुबा रेंट का मतलब ऐसा रेंट जो हमें नहीं मिला है नॉट नॉट एट एट रियलाइज ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का कंसेप्ट आता है ये जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा इसका डिडक्शन फाइव ईयर्स तक मिलता है वो ध्यान रखना चलो ये फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट है इसी से आपका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा देखो फॉर्मेट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं जी तो हाउ डू वी कैलकुलेट जी मैंने अभी आपको बताया था म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट एक्चुअल रेंट इन तीनों में से क्या करना है आपको तीनों में से जो हाइयर वैल्यू रहेगा वो आपका जी बनेगा लेस म्यूनसिपल टैक्सेस पेड ध्यान रखना म्यूनिसपल टैक्सेस जो है वो ओनर भरेगा तो ही डिडक्शन मिलेगा प्रीवियस ईयर का भरेगा तो ही डिडक्शन मिलेगा तो जी में से जब आप ये माइनस करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड एज नेट एनुअल वैल्यू विच विच इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज एन तो एनएवी मिलने के बाद लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30 परसेंट ऑफ एन जो 30 परसेंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30 परसेंट रूल है तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपको यहाँ पे एन मिलेगा उस एन का हम क्या कैलकुलेट करेंगे वी विल बी कैलकुलेटिंग थर्टी ऑफ दी एन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स तो ये दोनों वैल्यूज लिख देंगे फिर कभी कभी अगर अनरिलाइज एंड रिकवर्ड वगैरह आया तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ये अगर आएगा तो ही करेंगे वरना यहाँ से आपका फॉर्मेट कंप्लीट इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हमको फाइनल आंसर मिलेगा और ये फाइनल आंसर इज वॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वैसे ही एसओपी का फॉर्मेट है जो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको बताऊंगा अगला कंसेप्ट है हमारा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी देखो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में अगर एस के पास चार घर है हाउस वन हाउस टू हाउस थ्री हाउस फोर तो पहले रूल होता था कि कोई भी एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे बाकी दो प्रॉपर्टी बाकी के प्रॉपर्टी को हम डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी बोला जाता है लेकिन अभी रूल ये है कि कोई भी दो प्रॉपर्टी को हम सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकते हैं बाकी के प्रॉपर्टी डी बनेंगे तो दैट डिपेंड्स ऑन दी एस कौन से प्रॉपर्टी लेकिन जिसकी वैल्यू बड़ी रहेगी वही नॉर्मली एस माना जाता है तो अगर देखे देखो कैसा है फाइव लैक्स फोर लैख फिफ्टी इन दोनों में से हाइयर वैल्यू कौन सा है फाइव लैक्स है तो मैं यहां पे 5 लिखता हूँ. Uh, 4 और 3 lakhs, से हाइयर वैल्यू कौन सा है इनमें से वैल्यू so तो सिक्स लैक्स हमारा यहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगा हाउस नंबर फोर्थ के लिए सेवन लैक्स इज द हाइयर वैल्यू तो सेवन लैक्स बनेगा ठीक है अभी चारों प्रॉपर्टी का हमें सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल चुका है अभी एस के पास ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई भी दो प्रॉपर्टी को ही विल बी कंसिडरिंग सेल्फ ऑक्युपाइड एंड बाकी के प्रॉपर्टी डीएलओपी बनेंगे तो चारों वैल्यूज को कंपेयर करो देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू ये सेवन लैक्स है तो इसे हम एस ओ करेंगे सेवन लैक्स के बाद ये सिक्स लैक्स है इसे भी हम एसओपी कंसिडर करेंगे फिर दो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई तो बाकी की दो प्रॉपर्टी क्या बनेगी डीएलओपी डीएलओपी का मतलब होता है डीम डीम का मतलब होता है मतलब एक्चुअली वो एलओपी नहीं थी लेकिन हमें एलओपी उसको कंसीडर करना पड़ा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी कंसीडर करना पड़ा इसलिए मैंने आपको बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है या ऐसा हेड है जो नोशनल बेसिस पे भी इनकम टैक्सेबल यहाँ पे होता है फर्दर आगे बढ़ते हैं देखो सिंपल चीज है थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझने के लिए दो तीन एग्जाम्पल लिए हैं म्यूंसिपल वैल्यू फाइव लैक्स फेयर रेंट एक्चुअल रेंट और अनरियलाइज रेंट जीए वी ढूंढना है जी ए बी कैसे हम कैलकुलेट करते थे तो मैंने आपको बताया था मुंसिपल वैल्यू वॉट इज द मुंसिपल वैल्यू मुंसिपल वैल्यू इज फाइव लैक्स मुंसिपल वैल्यू के बाद फेयर रेंट फेयर रेंट कितना है फेयर रेंट है थ्री लैक्स फेयर रेंट के बाद एक्चुअल रेंट लेकिन एक्चुअल के साथ आपको याद रखना है हमेशा एक्चुअल में से अनरियलाइज जो है वो माइनस करके लेना है देखो टू लैक्स सेवेंटी फाइव हमारा एक्चुअल रेंट है टू लैख सेवेंटी फाइव माइनस अनुट कितना टेन थाउजेंड तो टू लैख सेवेंटी फाइव में से टेन थाउजेंड गया तो टू लैख सिक्स थाउजेंड आएगा तो डेट इट प्लस मत करना अकाउंट जैसे वरना रॉन्ग हो जाएगा इन सभी में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है हाइयर वैल्यू कौन सी है तो हाइयर वैल्यू हमारी है फाइव लैक्स तो आपका जीएवी बनेगा फाइव लैक्स इस तरीके से हमको कैलकुलेशन करना है आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा इसी तरीके से हमको बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले सम भी सीखने हैं तो मैंने आपको एक कैलकुलेशन आज करके बताया है कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद हम नेट एनुअल वैल्यू ढूंढते हैं नेट एनुअल वैल्यू के बाद हम डिडक्शंस को माइनस करते हैं एंड फाइनली वी आर गेटिंग द आंसर एज इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज हाउस प्रॉपर्टी ऑल्सो फिर एलओपी और एसओपी के कैलकुलेशंस कैसे करने वो भी हम सीखेंगे आई होप कि आपको आज के लेक्चर्स में से जो लेक्चर आज का मैंने लिया है उसमें से आपको हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक्स क्लियर हुआ है तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन अगले बार मिलेंगे कुछ नए कैलकुलेशंस के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोज़ इस चैनल पर लाते रहता हूँ थैंक यू वेरी मच बाय बाय ऑल ऑफ़ यू टेक केयर